आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे लिखने के लिए सब स्टूडेंट्स का टॉपिक अलग-अलग होता है, जिसकी वजह से हम इसे कॉपी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो इसका मटेरियल होगा उसको रिसर्च करेंगे और फिर हम उसको लिखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इन फॉर्म्स को सॉल्व करना बताऊंगी और वन बाय वन क्वेश्चंस को किस तरह से हम रिसर्च करेंगे और अपने इस मटेरियल को हम राइट डाउन करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पेज देखते हैं। सबसे पहले नेम है, जहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेमेस्टर, अगर स्प्रिंग हो, स्प्रिंग या आटम जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम ईयर लिख देंगे, रीजन जो भी आपका होगा, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, रहीम यारहा, ये जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। थीम में हम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपने स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड था, सब थीम से रिलेटेड आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फ़िलहाल मैंने नहीं लिखा। 2019 में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है वो सॉफ्ट स्किल्स है और लास्ट ईयर आई थिंक सोशल स्किल्स था, और इसका जो सब थीम है वो हम लिखेंगे। सब थीम मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और टॉपिक की जगह पे हम जो भी टॉपिक हमारा होगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो फॉर्म जो हम फिल करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है, इसको हम इसके ऊपर साफ नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इसको हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपना जो टॉपिक अप्रूव कराते हैं उस वक्त ये रीजन में भेजा जाता है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है। इस फॉर्म का मतलब ये है कि हमने जो भी वर्क किया है अपने टॉपिक से रिलेटेड वो हमारा अपना वर्क है और हमने किसी से भी उसको हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम इस जगह पर हम इसको इस तरीके से फॉर्म करेंगे, आई पे अपना नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रिसर्च प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड पर हम अपना टॉपिक लिखेंगे। यहाँ हम अपना साइन करेंगे और यहाँ पे हम जिस दिन हम इसको सबमिट करवाएंगे या वो डेट लिख देंगे या हम अपना काम कंप्लीट होने के बाद की कोई भी डेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे जो सुपरवाइज़र होंगे ये वो इसको सबमिट करवाते हैं और यहाँ पे डेट भी वही लिखेंगे और साइन भी वही करेंगे और हम इतना सा यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। इसको फिल करना है हमारे सुपरवाइज़र ने। तो सबसे पहले आ जाता है नेम ऑफ द स्कूल, वेयर द रिसर्च वाज कंडक्टेड, यहाँ पे हम जिस स्कूल में रिसर्च करेंगे जो कि यकीनन आपके एरिया के इर्द गिर्द जो स्कूल होगा आप उसका नाम ही लिखेंगे, जहाँ पर आप रिसर्च करेंगे उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा और जैसा भी उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उससे रिलेटेड हम यहाँ इंफॉर्मेशन देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन भी है, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया स्कूल, यानी कि स्कूल का ओवरऑल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने यहाँ लिखना है, उसका उस एरिए का या स्कूल के इर्द गिर्द जो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स, लिटरेट स्टेट, और इस तरह से हम ये सारा लिखेंगे जिसको मैंने हेडिंग्स में लिखा है। सबसे पहले एरिया ऑफ द स्कूल, इस तरीके से आप सेम टू सेम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी स्कूल होगा वो लिख लें, उसके बाद यहाँ पे आप उसका एड्रेस, क्योंकि मुकम्मल बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट होना चाहिए, मैंने इसको लिखने के लिए इसको रिसर्च किया था और इसका फेसबुक पेज भी था जहाँ पे मैंने उसका एक्यूरेट एड्रेस जिस तरीके से भी उसने लिखा हुआ था वो मैंने इस तरीके से लिख दिया था। ये होता है प्रोजेक्ट, इसलिए इसमें हमने जो चीज़ लिखनी होती है बहुत सलीके से लिखनी होती है। और उसके बाद आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब इस स्कूल के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हम लिखेंगे, बहुत सिंपल। ये आप देख सकते हैं आपका उस जिस एरिया में का स्कूल में आप करेंगे उसका आप मिडल, लो या हाई जो भी उसका होगा वो बस इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके सेम टू सेम भी लिख सकते हैं।
ऑक्यूपेशन लिखेंगे लोगों का क्या, ये मैंने लिखा है, इसको आप बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा इधर से थोड़ी हेल्प लेके आप कर सकते हैं। और अर्निंग ट्रेंड्स, द मंथली इनकम ऑफ दिस एरिया इज़ अबाउट 45,000 to 50,000 इन एवरेज। इस तरह से लिटरेसी रेट की एक हेडिंग है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि मैंने लिखी लोगों की, ऑफ मेल ऑफ दिस एरिया इज अंडर मैट्रिक वेयर इज इन द फीमेल्स इज ग्रेजुएशन। अदर स्पेशल ट्रेल्स, लैंग्वेज स्पोकन एट हाउसेज, लिविंग सिस्टम्स, पीपल्स लाइफ स्टाइल, यहाँ पे हो जाता है एंड। और ये मैंने जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया बैकग्राउंड स्कूल के बारे में, इसमें हर चीज़ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है और किसी चीज़ को भी मिस नहीं किया हुआ, इसलिए आप इन्हीं हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया सेम टू सेम थोड़ी सी चेंजिंग करके। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये अभी मैंने फिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम थीम लिखेंगे जो कि है सॉफ्ट स्किल्स, सब थीम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और टॉपिक यहाँ पे जो भी मेरा है मैं वो यहाँ पे लिखूँगी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, यानी कि क्यों आपने इस टॉपिक को और सब थीम को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने रीज़न बतानी है, रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। अब इसको मैंने किस तरीके से किया, हम जब प्रोजेक्ट लिखते हैं तो हम इसको उसी वक्त इसके ऊपर सॉल्विंग कर लेते हैं। मेरी इस कॉपी की लाइंस इन लाइन के बराबर थी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे लाइंस को काउंट करके उसके आंसर्स लिखे। पहले मैंने इसको रफ इस तरीके से लिखा है, नेम ऑफ द स्कूल, पहले मैंने इस तरीके से इसकी लाइंस को मैंने काउंट किया और यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो गया आंसर इसका। उसके बाद मैंने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू लिखा, लाइंस को काउंट करके तो उसकी मैंने आंसर लिख दिया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें सबसे हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताएंगे कि आपसे आप ये देखने के इसे मैंने किस तरीके से लिखा है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास रूम, कॉन्फिडेंट अनकॉन्फिडेंट, शाइवन एंड फ्रिगेट्स। मेरा जो टॉपिक है वो शाइवन एंड अनकॉन्फिडेंट चिल्ड्रन के बारे में है कि वो चिल्ड्रन जो है वो ऐसे क्यों होते हैं और इससे जो अफेक्ट है उनकी लर्निंग पे क्या पड़ता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताएंगे, यानी कि हम अपनी जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि हमने व्हाई डू यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक थीम एंड टॉपिक, तो आपने क्यों इसको सिलेक्ट किया। इसमें पहले हम उसकी रीज़न बताएंगे। अब हम इसको खुद से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं या अगर नहीं तो इसे हम रिसर्च भी कर सकते हैं। अब मेरा टॉपिक शाइनेस एंड अनकॉन्फिडेंट चिल्ड्रन था, तो उसका हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा और उसमें उसमें से हम कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे जो हमें मुनासिब लगेगा। अब ये प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बेशक हम रिसर्च करके कॉपी पेस्ट ही कर रहे होते हैं, जहाँ से हमने मटीरियल लेना है उसका हमने रेफरेंस जो है वो कम्प्लीट नोट करना होता है, तो जो हमारे ये प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से कम्प्लीट हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वाइल इन द क्लासरूम, ये हेडिंग मैंने इसलिए बनाई कि इन्होंने लिखा है रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, यानी कि अपने टॉपिक को रिलेट करो कि आपको क्लास में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब कि आपने बच्चों को किसी ऐसे बच्चे को या बच्चों को क्लास में देखा कि जो अनकॉन्फिडेंट बच्चे थे या शाई बच्चे थे जिसकी वजह से वो पढ़ाई में अच्छे नहीं जा रहे थे, तो उस एक्सपीरियंस को जो है वो आप यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द क्लास 4 देयर आर अबाउट फ्यू चिल्ड्रन शाई एंड अनकॉन्फिडेंट आउट ऑफ 25। इसी तरह से आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा यकीनन वो एक प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है एक्सपीरियंस के हवाले से जो आपने पढ़ाने के दौरान बच्चों को देखा होगा आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक अनदर एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम की हेडिंग के साथ मैंने एक और एक्सपीरियंस यहाँ पे
बताया हुआ है। अब ये चीज़ कुछ मेरे माइंड में थी, इसको मैंने ऑब्जर्व किया हुआ था, इसलिए इसे मैंने पास से लिखा है। इसको मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी कि मैं ऐसे ही रिसर्च करूँ, लेकिन इसको थोड़ा माइंड यूज़ करके लिखा जा सकता है, या सारे का सारा मटेरियल जो है वो मिल सकता है इंटरनेट से भी। तो इसके बाद इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग। इसमें हमने बताना है कि हमारा जो भी स्पेसिफिक टॉपिक या प्रॉब्लम है जिसको हमने लिया है, उसमें हमने जब रिसर्च कर रहे थे तो उसके दौरान हमने अपने सीनियर टीचर या कोलीग या सुपरवाइज़र के साथ उससे रिलेटेड हमने क्या कन्वर्सेशन की कि उस कि आपका तो एक्सपीरियंस है, आप बता दें कि आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है और इसको इस मसले को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन प्रोवाइड करनी है जो हमने अपने किसी कॉलीग या हमने किसी अपने सीनियर टीचर या सुपरवाइज़र से की होगी। यकीनन इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कोई भी रिसर्च करने या कोई भी पढ़ाने के लिए नहीं जाता। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे एक्सपीरियंस के हवाले से, जिसमें के कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ रिसर्च करने के लिए, जिसमें टीचर्स इन द क्लासरूम और डिस्कशन और एक्सपीरियंस का वर्ड यूज़ करके आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक को लिखेंगे तो आपको डिस्कशन भी आ जाएगी जिसमें टीचर्स अपना एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे होंगे। तो मैंने इसी तरीके से इसको रिसर्च किया था तो वो मुझका आंसर मुझे तकरीबन मिल गया। मैंने फिर थोड़ा सा मैंने ये लिखने के बाद फिर मैंने डिस्कशन विद कोलीग जो हमने प्रोवाइड करनी थी इस क्वेश्चन के हवाले से, तो वो मैंने लिखा आई डिस्कस मैनी ऑफ द टीचर्स रिलेटेड टू माई स्पेसिफिक टॉपिक। मिस आमना, जो मैंने कोई भी नाम लिख दिया, इज़ अ सीनियर टीचर इन द स्कूल, आई आस्क्ड हर। अब मैंने ये डिस्कशन प्रोवाइड की है, आई हाउ डू शाई एंड अनकॉन्फिडेंट चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स। अब ये मैंने इंटरनेट से लिया है, यकीनन मैंने कोई किसी स्कूल में जाके कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने इसको इंटरनेट पे रिसर्च किया एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस मैंने देखा जिसमें टीचर्स ने अपना ड्यूरिंग द क्लासरूम बताया हुआ था, डिस्कशन की हुई थी, एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, तो मैंने वो ली और उसमें मैंने दो टीचर्स की आप इसमें थी तो उसमें मैंने एक टीचर की जगह पर जो क्वेश्चन पूछ रही थी उसमें आई लिख दिया, और वैसे भी हमने ये मैनुअल आई में करना होता है, और दूसरा जिस कोलीग के साथ या सीनियर टीचर के साथ डिस्कशन की उसकी जगह पे मैंने मिस आमना लिख दिया कि ये मैंने बात की है, उसने आंसर दिया। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मिस आमना कह रही है, ये जो आंसर ये मैं सामना दे रही है ये इंटरनेट पे सेम टू सेम इन्हीं वर्ड्स में था, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और इधर से स्टार्ट था और इसी तरह था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की, इसमें मैंने आई और मिस आमना लिख दिया। और बाकी अगर मैं स्कूल में अगर जाती भी तो यकीनन क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछने के लिए भी मुझे रिसर्च करना पड़ती कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, और बाद में मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट डाउन करने हैं, लेकिन मैंने हेल्प तो ली ना इंटरनेट से, इसलिए हमने क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड हमने हेल्प ली है इंटरनेट से, इसलिए हमने किस वेबसाइट से हेल्प ली है हम उसका हवाला देंगे और उसको नोट कर लेंगे। हमने जिस किस जगह से भी हेल्प लेनी है किसी भी किस्म की हमने उसको नोट कर लेना है, और मैंने इसको नोट किया है। उसके बाद आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, What did you find about the problem in the existing literature, books, articles, websites? यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि आपने एक्सप्लोर करना है बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज को, और ये बताना है कि इस आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले कौन कौन सा काम हो चुका हुआ है, तो वो हम
अपना टॉपिक लिखकर हम अपने टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स होंगे, मतलब स्पेशल चीज़ें, जैसे मेरे टॉपिक के अंदर शाइनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस या अनकॉन्फिडेंस जो है वो उसके कीवर्ड्स हैं, वो मैं लिखूंगी तो वो मेरे आएंगे, उसके आंसर उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आएंगी जिनको मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड खोलूंगी। और इसी तरह आप भी अपने इस तरह से, जैसे कम्युनिकेशन के हवाले से होगा आपका, या लर्निंग के हवाले से, या गेम्स, या जो भी आपका टॉपिक होगा उस बारे में आप लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। और जो जो भी काम उस बारे में जिस जिस जगह पे किया गया है वो आप नोट करेंगे, उसमें से कुछ जो आपको सही लगेगा और वो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे और साथ साथ आप उसका हवाला ले लेंगे। ये मैंने जो भी नोट किया वो उसको मैंने, अगर सेम टू सेम लिखा तो उसको मैंने कॉमास में लिख लिया और ये इस तरह हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। इसमें हम डेफिनेशंस बताएंगे जो हमारे कीवर्ड्स होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम पूरा प्रोजेक्ट लिखेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी मेन जो वर्डिंग है, मेन जो चीज़ है जो बार बार यूज़ होती है, उसकी हम डेफिनेशन करेंगे। उन डेफिनेशन से या उन कीवर्ड से आइडिया हो जाता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस तरफ जा रहा है या इसमें किस बारे में बात की जा रही है। अब की टर्म्स जो हैं, द की टर्म्स इन दिस टॉपिक और स्टडी एंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स आर एज फॉलो। ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेरा ये जो टॉपिक है ये बच्चों की एनजाइटी के हवाले से है कि बच्चों में इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, इसलिए इसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इस तरह से मैंने उसको लिखा हुआ है, ये आप देख लें। टेम्परामेंट और उसके बाद उसकी पर्सनल नेचुरल डिस्पोजिशन और इनबॉर्न कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड इमोशनल ट्रेल, एक्सट्रोवर्जन ऑफ पर्सन प्रेफरेंसेस फॉर सोशली इंगेजिंग एक्टिविटीज एंड सेटिंग। इस तरह से हम ये लिख लेंगे और इसको भी हम इंटरनेट से ही रिसर्च करेंगे किस तरह अपना जो टॉपिक होगा उसके मेन कीवर्ड्स जो होंगे, आपका कम्युनिकेशन का होगा या किसी कोई भी जो मेन चीज़ होगी जिसके बारे में आप, आपका जो थीम या सब थीम, स्पेशली जो सब थीम होगा उससे रिलेटेड आप अपने की टर्म्स लिख के ना तो उसको रिसर्च करेंगे। अब आपको सेम टू सेम की टर्म्स नहीं मिल जाएंगे, उसी वक्त आपको कुछ वेबसाइट्स नज़र आएंगी, उन वेबसाइट्स को आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आर्टिकल, ब्लॉग, जर्नल या कोई थीसिस वगैरह होगा उसको आप देखेंगे तो उसमें की टर्म्स अलहदा से, अगर तो कोई थीसिस आएगा तो उसमें आप जब उसको चेक करते जाएंगे तो वहाँ पे की टर्म्स भी आपको मिलेंगे जो कि उस प्रोजेक्ट के की टर्म्स होंगे। तो जब आप उसको देखेंगे गौर से तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि हर थीसिस के अंदर की टर्म्स भी होते हैं। तो इस तरह से आपको खुद ब खुद इस तरीके से रिसर्च करके की टर्म्स का आइडिया भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने की टर्म्स किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने हैं और मेरे टॉपिक के की टर्म्स होंगे भी क्या। लेकिन ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप उसको रिसर्च करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और इस प्रोजेक्ट को इस तरीके के अलावा सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है क्योंकि इसको हम कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप जो प्रॉब्लम है आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। और अब साथ इन्होंने बताया कि इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, पर्पस बताएंगे अपने स्टडी का, जिस प्रॉब्लम को हमने लिया है उसका मकसद क्या है और क्रिटिकल क्वेश्चन कौन सा है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है आपका उसको आप बड़े ही तरीके से बयान करेंगे।
ये आप देख लें कि मैंने किस तरीके से किया हुआ है। आप इससे थोड़ी सी इसको स्टॉप करके इसमें थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, कि आपके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब साथ इन्होंने कहा है कि आपने जो भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं उनको आपने, जिनको आपने फोकस किया हुआ है, मतलब कि आपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए किन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स को, जिनको आपने फोकस करके, जिन पर रिसर्च करके आपने अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है या करना है, आपने उनके बारे में डिटेल से बताना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि आप उन इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की डिटेल दें जिनको आपने फोकस किया है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर आपको मसला नज़र आया था। मतलब कि अगर आपकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी या जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, तो फिर आपने उन बच्चों को फोकस किया, आपने उन बच्चों की काउंटिंग में बताना है वो कितने बच्चे थे, उनकी डिटेल बतानी है वो उनकी क्लास कौन कौन सी थी, और ये बताना है कि उनमें मसाइल क्या क्या थे, कि आपने उन बच्चों को फोकस किया और फिर आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ इस चीज़ का आंसर देना है। तो ये भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, ये आप देख लें, ये बहुत ही ईजी है। अब ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। अब मेरा जो टॉपिक था उसमें ऐसे बच्चे जो है वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए मैंने इसमें 25 पार्टिसिपेंट किए। ये मैंने अपने ही तरीके से किया कि इसमें मैंने 20 चिल्ड्रन को फोकस किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी एंट्री लेवल बच्चों का है, इसलिए इसमें मैंने वेंट टू 5 ग्रेड किया, और जिनमें 10 लड़कियाँ और 10 लड़के किए, और उनकी एजिस लिखी, फिर द चिल्ड्रन बिलोंग लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये उनकी डिटेल बताई है, और बताया कि वो बच्चे जो हैं वो, उनको क्या मसला था, उनके बारे में मैंने क्या देखा, इस तरह से मैंने उसकी डिटेल भी बाद में बता दी है। तो आप भी इसी तरीके से बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें हमने वो तरीका बताना है जिसके ज़रिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की इन बच्चों पर। जैसे अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक आई एज अ टीचर एंड रिसर्चर इन एक्सटेंशन एज टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंट लेवल, ये आप सेम टू सेम यहाँ तक सेम टू सेम इसी तरह लिख लेंगे, उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा नीचे से। और ये नीचे से आपने जो लिखना है वो भी आपने इंटरनेट पर रिसर्च करना है, प्रोसीजर लिख के इसमें की, इस क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड होगा रिसर्च करने के लिए वो होगा प्रोसीजर। अब जब आप इस तरीके से अपने टॉपिक के साथ प्रोसीजर वगैरह लिख के जब इसको रिसर्च करेंगे, तो आपको आर्टिकल्स वगैरह या थीसिस बड़ा कुछ मिल जाएगा, जिसमें से आपको ये प्रोसीजर के टॉपिक पर भी मिलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होते हैं एक्शन रिसर्च में या दूसरे रिसर्च में। तो उस तरीके से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वहाँ से कुछ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, वो आप बाद में ऐसे स्टार्ट करके या ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। अब ये स्टेप 1 और इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, ये मैंने किस तरीके से लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है कि जब मैंने इन कीवर्ड्स को यूज़ करके जब मैंने रिसर्च की, मेरे इस टॉपिक में जो जिस प्रॉब्लम को मैंने लिया हुआ है, उस प्रॉब्लम को जब मैंने लिखा कि ये जो अनकॉन्फिडेंट चिल्ड्रन हैं उनके मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है, तो ये मुझे मिला इसका मटेरियल इंटरनेट से, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स होगा, उसको मैंने स्टेप 1 में लिख दिया। और क्वेश्चन में भी जैसा कि इन्होंने बताया कि आप स्टेप वाइज इसको जो है वो बताओ। फिर स्टेप 2 में किया है कि चाइल्ड फोक इंटरनेक्शन से भी ये जो शाइनेस या बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये, इसी तरह हमें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो मटेरियल है वो हमें इंटरनेट से, वेबसाइट से थोड़ा सा रिसर्च करके हमें मिल जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 4 दिन के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हैं
हमारी एक्शन रिसर्च के लिए, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन रेटिंग्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या फाइंड करेंगे, आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि बहुत ध्यान से इसको रिसर्च करना पड़ता है अपने टॉपिक से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे दे दिए हुए हैं कि या तो वो ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग्स के लिए इंटरव्यू है, इस तरह के जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे कि आपने आप यूज़ किया था अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें मैंने लिखा है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का जो टूल होता है वो होता है, दो तीन टूल होते हैं जिसमें से मैंने ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टूल यूज़ किया है और उसको मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। और ये आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चलिएगा कि ये मैंने किस तरीके से लिखना है। तकरीबन हर एक एक्शन रिसर्च के अंदर आपकी प्रॉब्लम और टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो तकरीबन सब का आएगा और इंटरव्यू भी सब का आएगा, इसलिए आप इसको इन दो चीज़ों को सेम टू सेम लिख सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग, ये मैंने एक्शन रिसर्च के लिए इन चार टूल्स को यूज़ किया हुआ है और आप भी इन चार टूल्स को थोड़ी सी चेंज कर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, इसमें हमने बताना है कि हमने अपने टॉपिक के बारे में सारा कुछ रिसर्च कर लिया, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स, और इसमें हमने की टर्म्स हर चीज़ हम पीछे रिसर्च कर चुके हैं, उसको राइट डाउन कर चुके हैं। इसमें हमने बताना है कि हमने अब फाइंड क्या किया है और हमने इससे नतीजा क्या निकाला, अपनी फाइंडिंग्स बता देनी फाइनली कि जो शाई स्टूडेंट्स हैं उनको नीड होती है मोर सपोर्ट की और ये बात हतमी है कि ज़रूरत होती है। इसमें हमने कंक्लूजन और फाइंडिंग्स बता देनी है। इसमें दूसरी चीज़ मैंने बताई है टॉपिक से रिलेटेड कि जो फैमिली बैकग्राउंड अफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनका असर होता है इस चीज़ में। फिर गिविंग प्रेजेंटेशंस में भी बच्चों का मसाइल आते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें हमने सिर्फ प्रेजेंटेशंस की डिटेल नहीं देनी कि बच्चों को प्रेजेंटेशन करवानी चाहिए, बल्कि इसमें हम बताएंगे कि प्रेजेंटेशंस जब हम करवाएंगे तो उसके लिए हमें क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि बच्चों के लिए अफेक्टिव होगी, और क्योंकि हम कंक्लूजन और फाइंडिंग्स बता रहे हैं और इस तरीके से हम इसको ना राइट डाउन करेंगे इस आंसर के अंदर। वर्किंग इन ग्रुप्स और इस तरह से कंक्लूजन भी में भी मैंने फाइनल चीज़ ही बताई है कि इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड रूल्स इन रिलेटेड। ग्राउंड रूल्स जो हैं ये कंक्लूजन भी आप सेम लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ में ग्राउंड रूल्स वो होते हैं जिसमें बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किसी को टीज नहीं करेगा, और इस चीज़ से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल और बच्चों का हेजिटेशन या कोई भी चीज़ वो सब का सब सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद आ जाएगी समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि जब आप अपना टॉपिक लिख के, अपने टॉपिक के कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स लिख के जब आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको जो आर्टिकल या कुछ भी पीसेस वगैरह मिलेंगे तो उसमें समरी भी होगी। तो जो आपसे के टॉपिक से रिलेटेड समरी में आएगा आप सेम टू सेम उस समरी वाले स्पेसिफिक एरिया को ही आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और इसको आप सबसे आसानी से इसी तरह ही कर सकते हैं कि आप कोई थीसिस अपने टॉपिक से मिलता जुलता देखेंगे, उसमें समरी का भी टॉपिक होगा तो उस समरी वाले पोर्शन को आप लिख दें। उसके बाद आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ के अंदर जब जाके उसमें हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी चीज़ का, हम उसके बारे में किसी नई चीज़ को जब सीखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमने क्या सीख लिया, हमें पहले क्या पता था और हमें इससे क्या क्या पता चला, हमारे दिमाग में कौन कौन सी इंकशाफात हो गए, वो हम इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताते हैं
कि मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे ये हो रहा था और उससे ये मुझे पता चला। जैसे कि मैनुअल 807 प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस 1 और 2 है, उसमें भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में ही है वो सारी की सारी बुक 8607 वाली। तो उसमें भी मैंने अपना जो है उस पर भी एक मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप देख लें कि ये मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें भी हम आई ज़रूर यूज़ करेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या क्या फील किया, ये आप ये सारा यहाँ से देख सकते हैं। इसमें बार बार आई फील, शाई चिल्ड्रन या आई ऑब्जर्व एज अ टीचर, ये वर्ड बार बार यूज़ हो रहे हैं। अब जो 12 है, What has it added to your professional skills as a teacher? तो इसमें हम ये बताएंगे कि अब हम वो कौन से स्किल्स हैं जो हम एज अ टीचर सीख चुके हैं, उस बारे में हम अपने, और ये स्किल्स भी वो होंगे जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया और उस टॉपिक से रिलेटेड स्किल्स हमने सीख लिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बच्चों में हमें कौन कौन से स्किल्स आ गए कि अब हम ऐसे बच्चों को, शाइवन को डील कर सकते हैं। हम उन स्किल्स को यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने प्रोजेक्ट के जो रेफरेंसेस हैं वो देने हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉलो द एपीआई मैनुअल 6th edition। 6th edition को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसमें हमने जब कोई चीज़ रिसर्च करनी है तो आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से ये देखनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, हम उसका जो रेफरेंस होगा वो हम किस तरीके से नोट करेंगे। जो रेफरेंस है वो आपने किस चीज़ को भी रिसर्च कर, आपने रेफरेंस को उसी वक्त कंप्लीट रेफरेंस को नोट कर लेना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा और आपको अपना एक ही वेबसाइट जो है वो दोबारा मिलेगी ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। जैसा कि आप देख लें, ये मैंने एक वेबसाइट को खोला तो हाँ, हमारे सामने ये एक पेज आ गया। तो इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि क्या ये एक आर्टिकल है, जर्नल है, थीसिस है, या ये क्या है, या ये कोई ब्लॉग है। तो ये आप इस जगह पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल आर्टिकल इंफॉर्मेशन, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो वेबसाइट हमने खोली है ये एक आर्टिकल है। अब हम इसमें से रिसर्च करके अगर तो हमें मिल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं और बाद में हम उसको रेफरेंस इस तरीके से देंगे कि हम इसको आर्टिकल की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये एक आर्टिकल है। और जो इसका टाइटल है वो हम लिखेंगे एसोसिएशंस बिटवीन शाइनेस रिलक्टेंस टू एंगेज एन एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो ये इसका टाइटल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि AP 6th edition के लिहाज से जब हम कोई रेफरेंस देते हैं तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने आर्टिकल का भी दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका नेम, मतलब अदर का हम नेम लिखेंगे, अदर का नेम ये लिखा हुआ है। और उसके बाद उसका जो होगा, अगर वो कोई डॉक्टर है या इस तरह से कुछ भी है, वो हम उसके कॉमा लगा के उसके बाद लिखेंगे। या आप सिंपल ये लें कि सबसे पहले हम अदर का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम उसका इन्वर्टेड कॉमास में हम ये टाइटल लिखेंगे, ये वाला, ऐसे, जैसा कि आप यहाँ पे देख लें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये नाम लिखा हुआ है आदर का, ये उसका टाइटल है, ये एक थीसिस था, ये सबमिटेड करवाया गया फॉर 2012 में, और एंड पे हम लिख देंगे कि किस ईयर्स में ये किस यूनिवर्सिटी में करवाया गया, और ये मैंने साथ उसकी यूनिवर्सिटी लिख दी है। मतलब कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस थीसिस में जो हाँ उसने अपलोड किया हुआ था उस जगह पे था और वो हमने नोट कर लिया। अब अगर आपका ये वेबसाइट है तो इसमें ये आपको पता चला आर्टिकल है, ये उस आदर का नेम है और ये उसका
टाइटल है और यहाँ पे उसका आ जाएगा वेबसाइट का, ये वेबसाइट का हवाला आ जाएगा जो हम एंड पे लिख देंगे इस तरीके से। अब मैं आपको एक दफ़ा सारा बता देती हूँ। कोई एक हवाला, ये एक आसान सा है, फिलिप डी इवांस निक एडगर्टन, और ये था जून 1992। इसका ये इन्वर्टेड कॉमास में ये टाइटल था और ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ मीडियम, और ये सारे का सारा सेम टू सेम इसी तरीके से लिखा हुआ था जो हमने लिख लिया। सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम आदर का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में हम जो उस आर्टिकल या ब्लॉग या थीसिस वगैरह का टाइटल होगा वो लिखेंगे। ये मैंने वेबसाइट का नाम लिखा और फिर ये जहाँ से मैंने ली वो लिख दिया फ्रॉम ये। अब आपने HTTP और ये लगाकर इसी तरीके से इसका आपने लिखना है, वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। बस हवाला देने का यही एक तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। अगर हवाला देते हुए इसमें एक से ज़्यादा अगर इसमें आदर्स होंगे वेबसाइट्स में या आर्टिकल्स में, आप देखेंगे जब आप इसको काम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि सारे आदर्स के नेम लिखेंगे आप, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि एक से ज़्यादा आदर्स इस ब्लॉग के अंदर, तीन से चार आदर्स, दो आदर्स हैं, एक मेरा यहाँ पे है उसमें चार आदर्स हैं, तो हम सारे आदर्स के नाम लिखेंगे। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल अथेंटिक बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने पास से बता रही हूँ और हम एक दो चार नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, बल्कि जितने होंगे सारे लिखेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट के अंदर आदर का नेम ही शो नहीं होता या दिया ही नहीं गया होता, इसमें हम क्या करेंगे कि हम आदर का नेम तो जो नहीं है हम इसको ऑब्वियसली नहीं लिख सकते। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि हम जो भी टाइटल होगा हम सबसे पहले टाइटल का नेम लिख देंगे और उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें होगी वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट के स्टार्ट पे आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगी, और ये आपने रिसर्च करते हुए साथ साथ ही नोट करनी है। जहाँ से आप मटेरियल लेंगे उसके साथ नीचे हवाला दे देंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपको दोबारा वो वेबसाइट नहीं मिलेगी और एक प्रोजेक्ट को दो बार लिखने के बराबर आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये सारा कुछ जो भी था लिखने के बारे में आपको मैंने गाइड कर दिया। तो अगर आपको मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मैं आपको विद इन हाफ आवर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको प्रोजेक्ट लिखने के हवाले से अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई मसला पेश आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस 1 या 2 के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो कि किस तरीके से लेसन प्लान्स को लिखा जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ उसको। अगर आप सीखना चाहें कि हम किस तरीके से सीखना है उसको तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो कि यहाँ पे मैंने उसका कुछ पैटर्न्स तैयार किए थे, और मैं आपको एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगी कि लेसन प्लान्स कैसे लिखते हैं, कि आप कहेंगे कि इतना आसान काम तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लेसन प्लान्स लिखना इतना आसान काम है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ आता है कि कोई भी इस बारे में गाइड नहीं करता। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, आप एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी जो कि लेसन प्लान्स पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।